ओम शांति। आप सबका स्वागत है। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 9 अक्टूबर के ईश्वर वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे अंदर हलचल नहीं आनी चाहिए। और ये होगा कैसे, करें कैसे, प्रैक्टिस कैसे होती है, सब चीज़ों में उसको हम एक्सप्लोर करते हैं आज के वरदान में। परमात्मा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनके पास में फिजिकल बल नहीं है, उनके पास में कोई टाइप का फाइनेंशियल बल नहीं है, लेकिन मेंटल इमोशनल संस्कारों वाला बल है उनके पास में, आत्मिक बल है, आत्मिक ताकत है, और वो उसके वो सागर हैं। तो हम भी उनके बच्चे अगर हो गए, उनकी रचना हो गए, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान, मतलब कि हम भी उनके मास्टर हो गए, बच्चे हो गए और सर्वशक्तिमान हो गए। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा, ये अगर भूल गया तो फिर सारी शक्तियाँ खत्म और फिर हाय हाय तौबा तौबा करना शुरू। तो परमात्मा कहते हैं कि स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भवा, कोई भी प्रकार की हलचल आए, चाहे वो धन से रिलेटेड हलचल आए, चाहे मन से, चाहे भावनाओं से, चाहे आपके रिश्तों में हलचल आए, चाहे आपकी सेहत में हलचल आए, चाहे आध्यात्म के मार्ग में हलचल आए, ये सारी हलचलें आ सकती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, मैं जॉब करने वाला हूँ, मुझे ये करना है, हमें सब कुछ पता होता है, बिजनेस में ऐसे चलना होता है, जॉब में ऐसे चलना होता है, ये हमें पता होता है, इसकी प्रैक्टिस होती है हमें। ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अटूट रहेंगे। ब्राह्मण जीवन मतलब क्या हुआ, जो आत्मा किसी भी चीज से अपना संबंध नहीं जोड़ती है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो चीज हो, चाहे जगह हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, उस आत्मा का उस चीज से कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ये एक तरीका है अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्टेबल रखने का और फिर सॉल्यूशन ढूंढने का। कुछ लोग होते हैं जो कि हाय तौबा करते हैं और फिर सॉल्यूशन को नहीं देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं और वो प्रॉब्लम में ही फंस जाते हैं। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं ब्राह्मण जीवन मतलब क्या हुआ, डिटैच जीवन, जिसमें आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को कोई भी हलचल आ जाए उसमें वो क्या क्यों कैसे कहानी करते, किसकी वजह से हुआ, उसने ऐसे क्यों किया, ये ब्लेम वो किसी चीज़ में नहीं घुसते हैं। वो हर चीज़ में स्टेबिलिटी देखते हैं और स्टेबल होकर के वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। तो उनको पता होता है कि हाँ, मुझे कारण नहीं देखना है, मुझे निवारण देखना है। तो परमात्मा कहते हैं हो जाएंगे और आप सदा अचल अडोल रहेंगे अगर ऐसे करेंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती। कमजोरियां क्या होती हैं, आतर धन से कमजोरियां होती हैं, तन से कमजोरियां होती हैं, तन स्वस्थ नहीं होता या मन स्वस्थ नहीं होता या आपके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं, परमात्मा के साथ, अकेले नहीं, परमात्मा के साथ जुड़ करके आप संतुष्ट उस सेकंड, उस समय रह सकते हो। फिर परमात्मा कहते हैं शक्ति, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं, घबरा नहीं जाते वो। जहाँ पे सहन करना होता है सहन करते, जहाँ एडजस्ट करना होता है एडजस्ट करते, जहाँ सुनना होता है वहाँ सुनते हैं, जहाँ बोलना होता है वहीं बोलते हैं, और जहाँ मोल्ड करना होता है वहाँ मोल्ड कर लेते हैं, जहाँ सहयोग करना होता है वहाँ सहयोग करते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। कंट्रोलिंग पावर रहती है इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान रहते हैं, वो आगे से कुछ और पीछे से कुछ नहीं होते हैं। अगर किसी को किसी चीज़ का नुकसान हो रहा होता है तो स्टार्टिंग में आपके साथ में बहुत प्यार से बात करी उसने, जैसे उसको पता लगा नुकसान हो रहा है तो चेंज हो गया व्यक्ति, पहले कुछ अभी कुछ। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं होती हैं उसका अगर आप नुकसान भी कर रहे हो तो पहले कुछ बाद में कुछ नहीं, वो हमेशा एक समान रहती हैं और वो हलचल नहीं आने देती हैं और उसका सोल्यूशन निकालती हैं। फिर हलचल में आए, कोसना शुरू कर गया और किसी को बतुआएं देनी शुरू करें, तो ब्राह्मण आत्मा को पता है कि सबसे पहले उसकी अवस्था गिरेगी, उसका पीस ऑफ माइंड खत्म होगा और वो सोल्यूशन, वो राइट स्टेप्स, राइट कदम नहीं ले पाएगा सोल्यूशन की तरफ, जो उसको निर्माण होकर के निर्णय लेना है वो करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं हर स्थिति में या तो सहन करती हैं या सामना करती हैं अपने अंदर के उतावलेपन का, और किसी का सामना नहीं करती हैं,
किसी का सामना करना, मतलब कि किसी को चैलेंज नहीं करती हैं, वो किसी को ब्लेम नहीं करती हैं, किसी के सामने आकर के चिल्लाती नहीं हैं। तो वो अपने अंदर ही सारी चीज़ों को, विष को पी जाती हैं, और विष को पीने के बाद में उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो विष को पी करके फिर जो सत्य है उसी की तरफ चलना शुरू होती हैं, उसको एक्सेप्ट करके। और ये सब कुछ हम सीखते हैं परमपिता परमात्मा से, ब्रह्म कुमारी। इसमें ये आपके लिए भी आसान है और हर किसी के लिए आसान है अगर आप इस पर पहला कदम लें। इसके साथ ओम शांति।